आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। सबसे पहले एक जरूरी सूचना, आपका लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज का नाम परिवर्तित हो रहा है। अब से आपका पसंदीदा चैनल KSN24 के नाम से न्यूज प्रसारित करेगा। आशा है जैसा प्यार आपने RNN न्यूज को दिया, वही प्यार KSN24 को भी मिलेगा। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनतेरस एवं दीपावली के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से कोरबा जिले के सभी निवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राजियामार वासियों को इस दीपावली पर्व पर हमारे समस्त चौकी स्टाफ की तरफ से व पूरे कोरबा पुलिस टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और इस पर्व का सब मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ आनंद उठाएंगे, ऐसी हमारी चेष्टा है, कामना। आप सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत भरत वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष, भाटापारा, छत्तीसगढ़। ये दिवाली हम लोग का, हिंदुओं का एक महापर्व है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दिवाली सब हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपनों का साथ दें, प्यार मोहब्बत से त्यौहार मनाएं, कोई भी अनर्गल कुछ चीज़ें ना करें जिससे उनको या उनके परिवारों को कुछ प्रॉब्लम है। कोरबा जिले के उर्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सेंडल नाहर पुल में बजरंग केडिया ट्रांसपोर्ट ट्रेलर कंपनी के हेल्पर नकटीखार निवासी खंडेश्वर दास महंत 32 वर्षीय युवक की लाश मिली है, जिसे उर्गा पुलिस ने नहर से लाश को निकालकर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि कोरबा से निकल कर सामने आ रही है। का होई जे समन गाड़ी चला था तेकर बाद ना अब गिर तहां हो तो बहुत गिर से पानी बहुत ज्यादा चला थी भलार में तहां कर बाद कूद दी झाए ले का संगे संग तहां धारा जो तो पाबे नहीं करत से अब एला देखे तो मैं तो बने दूर निकल गई तो मैं ऊपर ले कूद के फिर इसको मैं खींच के निकाला हूं, वो तो बूट गया था नीचे में, मेरे को दिखाई नहीं दिया। अच्छा हां, आरएनएन न्यूज़ के लिए सरोज रात्रि की रिपोर्ट।